हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि क्यों इम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑफिस के लिए या किसी भी वर्क स्पेस के लिए। और आप नोटिस करेंगे कि जहां पे भी इम्प्लॉय एंगेजमेंट अच्छा खासा होता है, जहां के एचआर इम्प्लॉय एंगेजमेंट अच्छे से करते हैं, वहां के इम्प्लॉय खुश रहते हैं और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है उस कंपनी में। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉय एंगेजमेंट के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा, वहां से आपको एम्प्लॉय एंगेजमेंट के बारे में समझ आ जाएगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और जानते हैं क्यों ये जरूरी होता है। तो दोस्तों, यहां पे मैंने टोटल 6 रीजन दिए हैं जिसके कारण एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है किसी भी कंपनी का। जो सबसे पहली चीज होती है ना दोस्तों, अगर आप जो कोई भी एचआर अगर एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी करता है किसी भी कंपनी में, उससे क्या होता है कि जो इम्प्लॉय होता है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब वो कैसे बढ़ती है, क्योंकि जो वो एक मोनोटोनस काम कर रहा होता है उससे वो दूर जाता है, उसके अलावा वो कुछ और चीजों पे काम करता है। जो भी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं जो एचआर करवाते हैं, जब उस पर वो दिमाग लगाता है तो उससे उसके अंदर एक रिजुविनेशन आता है और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है अपने काम को लेके वो बढ़ती है। देन सेकंड आता है बेटर रिटेंशन। एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज कराने के कारण क्या होता है, जो इंप्लॉयज होते हैं जो काम कर रहे हैं कंपनी में, उनके अंदर रिटेंशन की भावना आती है, कहने का मतलब लॉयल्टी आती है, जिसके कारण रिटेंशन आता है। तो जो एम्प्लॉय लॉयल्टी आती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एचआर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अब बहुत कम लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं। जब बहुत कम लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं तो इंप्लॉय हायरिंग कम होती है और जो बर्डन है वो एचआर के ऊपर कम पड़ता है। तो इसलिए रिटेंशन बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर हो जाता है अगर आप इंप्लॉय एंगेजमेंट को देखें तो किसी भी ऑफिस में। देन अगला आता है इट इंप्रूव्स मोरल ऑफ एन एम्प्लॉय। तो जो भी इंप्लॉय कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वहां इंप्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी नहीं होती है तो एक प्रकार का मोनोटोनस जॉब कल्चर होता है और इंप्लॉय आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, थोड़े दिन में वो बोर भी हो जाते हैं, उनका मोरल बूस्ट नहीं होता है। तो जब एक इंप्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी कोई भी एचआर की टीम करवाती है, कोई भी कंपनी करवाती है, तो उससे एक अलग मोरल बूस्टर होता है। और साथ में क्योंकि अलग अलग ग्रुप के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वो एक्टिविटी की जाती है, तो उससे आइस ब्रेकिंग भी होता है, अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है। तो इसके कारण जो है मॉरल काफी ज्यादा इंप्लॉय का बूस्ट होता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है दोस्तों। देन अगला आता है बेटर कस्टमर सर्विस। जो इंप्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी है उनको करने के कारण जो है काफी सारे इंप्लॉय अपने जॉब को लेके खुश होते हैं, और जब अपने जॉब को लेके खुश होंगे तो जो कस्टमर सर्विस है वो भी अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। देन अगला आता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। क्योंकि देखिए, कई बार इंप्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी ऐसी होती है जहां पे एक इंप्लॉय को अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन दिखाने का भी मौका मिलता है, तो वो एक प्रकार का स्टेपिंग स्टोन होता है किसी भी इंप्लॉय के लिए, ताकि वो अपना जो कैलिबर है वो दिखा सके कंपनी को, और आगे चल के अगर उसको लीडरशिप पोजीशन पे जाना है तो कंपनी जो है उसको लीडरशिप पोजीशन में भी भेज सकते। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी के हिसाब से भी एक इंप्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। और लास्ट में जो है मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि जब ओवरऑल चीजें मिलती हैं देन इट इंक्रीजेस द प्रॉफिटेबिलिटी। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी मैंने 6 पॉइंट बताए हैं इंप्लॉय एंगेजमेंट को लेके, वो सारे आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और मैं ये और चीज बोलना चाहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर खराब लगता है वो भी बताइए, अगर अच्छा लगता है वो भी बताइए। अगर कुछ कमी होगी वीडियो में तो मैं उसको और सुधारने की कोशिश करूंगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।